आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दीवानी परिसर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे अधिक कैंप अलग अलग बैंकों के लगाए गए थे, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर फरियादी इधर उधर भटकते हुए नजर आए। ग्रामीण अंचल से आए लोगों का कहना था कि बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन दलाल बैंक से रकम लेकर चला गया और बैंक से उनके घर पर आरसी पहुंच रही है। बैंकों में दलालों का बोलबाला है, सीधे साधे लोगों को लोन दिलाने के नाम पर दलाल कारिस्तानी कर रहे हैं। ग्रामीणों को मिलने वाली लाखों की रकम दलालों ने ऐंठ ली और बैंक ग्रामीणों को आरसी भेज रहे हैं। दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे ग्रामीणों ने इसका राज खोला है। पिताजी ने वो लिया था, कर्जा लिया था, तो कौन सी बैंक से लिया था? आर्यव्रत बैंक, पूरा चित्रपुर। 380 का लोन लिया था 2012 में, वो 16 में ख़त्म हो गए। 2018 में आरसी आई हमारे पास। तो हमने उसका समाधान करने के लिए हम यहाँ बुलाए गए। तो हमने यहाँ पे फैसला करवाया, तो हमने फैसला किया 4,02,000 रुपये में। तो सर हमने 30,000 रुपये की उसी दिन रसीद कटा ली, रसीद है हमारे पास, और 3,72,000 वहाँ पर बताए थे बैंक को भरने, वो भी हम भर चुके हैं सर। अब ये कह रहे हैं सर हमसे गलती हो गई, इसमें कोई समाधान नहीं हो सकता। अच्छा, पैसे और भरने पड़े हमें। यहाँ पे हम 1,50,000 रुपये का नोटिस परसों भेजन भेजा सर। यहाँ पे आपकी सुनवाई हो रही है? नहीं सर, मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे अधिक कैंप बैंकों के लगाए गए थे, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर वादकारी इधर से उधर भटक रहे हैं। ग्रामीण अंचल से आए लोगों का कहना था कि बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन दलाल बैंक से रकम लेकर चले गए और बैंक उनके घर पर आरसी भेज रही है। इस संबंध में आया हूं कि मेरे पास जो है भूमि विकास का बैंक का कर्जा पुराना था। कितने पैसे लिए थे आपने? अब तो पैसे तो मैंने एक पैसा ना ले पाया। कौन ले गया? वो दलाल ले गए। अच्छा, जो वो भूमि विकास को बनो वो बैंक दलाल रखा बाद में खाता खुलवाए यूनियन में। हाँ, और यूनियन की जगह पे वो भूमि विकास में ले बैठे, वो पहचान है नहीं पाई। हाँ, कह जो भूमि विकास पे आए कि वहाँ पे आए मैं घर पे गए, वो घर पे जाए कर मोए पूछी के तुम लोन कराए रहे, मैंने था भले ही हामी और हामी भरवे के बदौलत पे अब वो भूमि विकास में लेगा। तो दलाल ने मुझे कही कि तू जाए एक महीना को कर ले, फिर हम तो पलटा करा दे। कितने पैसे ले दलाल ने? दलाल ने साहब 4,50,000 का लोन कराए दो मेरे नाम पे। अच्छा, तो मोह ना था एक दो पैसे। हाँ, और समय लेगा जा जमा जरूर करेगा जय पुराने खाते। क्या नाम है उस दलाल का? यहाँ पर साधे कहाँ का रहने वाला है? खिराड़ का है। खेरागढ़ के नगला दूल्हे के रहने वाले शिवदास ने भूमि विकास बैंक खेरागढ़ से 4,50,000 रुपए का लोन लेने के लिए दलाल के माध्यम से आवेदन किया था। दलाल ने ग्रामीण के साथ क्या कारिस्तानी की, ये आप किसान की जुबानी सुन लीजिए। इसी तरह भिलावली खेरागढ़ के रहने वाले विष्णु दत्त के साथ अन्य लोग भी दलालों की ठगी के शिकार हुए हैं। 1,50,000 रुपए का लोन लिया था सर हमने भूमि विकास खेरागढ़ सर, हमने 1,19,000 भरते, 50,000 ने दलाल उठाए, अभी तक हमको 1,00,000 रुपया मिला। 1,19,000 देखो हमारे पास सारी रसीदें हैं ये, और 2,13,000 का नोटिस हमारे पास भेज दिया है और कुल की वारंटी भी है साथ साथ। अच्छा, कुल की वारंटी भेज दिया है? हाँ जी, ऐसा देखो ये रहे आपके सामने। अच्छा, यहाँ यहाँ समस्या का समाधान हुआ कि नहीं अभी? अभी हम का कोई मिला ही ना था यहाँ। अच्छा, हमारी जिस बैंक का लोन है उस बैंक का कोई कर्मचारी है ही नहीं यहाँ। है ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा, बताइए क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्या समाधान के लिए पहुंचे ग्रामीणों का कहना था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस बैंक से लोन लिया उस बैंक का कैंप नहीं लगाया गया। लोक अदालत में लोगों की मदद के लिए जगह जगह अधिवक्ताओं और संबंधित कर्मचारियों को बैठाया गया था, ऐसे लोग मदद कर रहे थे। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।